শিলচর এনআইটিতে আত্মহত্যা ছাত্রের ডিনের ভূমিকায় ক্ষোভ, তদন্তে এসপি। শিলচর এনআইটিতে কুচ বক্কর নামের ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের এক ছাত্রের আত্মহত্যাজনিত ঘটনায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। জানা গেছে, হোস্টেলের 7 নম্বর রুমে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় এই পড়ুয়াটি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এনআইটিতে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। অভিযোগ মতে, এনআইটির ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র কুচ বক্করের ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের প্রথম বর্ষের কয়েকটি সাবজেক্টে ব্যাক ছিল। এই কারণে এনআইটি কর্তৃপক্ষ তাকে নাকি তৃতীয় বর্ষে রেজিস্ট্রেশন করতে দেননি, ফলে সে উপায়ন্তর না পেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় বলে অভিযোগ। এই মর্মান্তিক কাণ্ড সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য পড়ুয়ারা জানান যে, ব্যাক সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে শুক্রবার দিনে এনআইটির ডিন বিনয় কৃষ্ণ রায়ের সাথে দেখা করে বক্কর, কিন্তু তাকে রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ দেননি এনআইটির ডিন, ফলে সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে শুক্রবার রাতে হোস্টেলের ভেতর আত্মহত্যা করে নেয়। এমন খবর পেয়ে শনিবার সকালে উত্তেজিত ছাত্রছাত্রীরা এনআইটি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এই কাণ্ডের জন্য ডিনকে দায়ী করে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। একসময়ে পড়ুয়াদের প্রতিবাদ শান্ত করতে মাঠে নামতে হয় কাছাড়ের এসপি নুমাল মহাত্মা সহ অন্যান্যদের। পরে রাঙ্গিরখাড়ি পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেডিকেলে প্রেরণ করে। ঘটনার পর পুলিশ তদন্তে নামলেও এই কাণ্ডে এই সংবাদ সংগ্রহ পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া যায়নি। रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया था, शायद इसीलिए सोसाइटी, मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, मगर एडमिन का रूल है कि बैकलॉग के लगाना और रजिस्ट्रेशन ब्रेक करना डिस टाइप। मेरा भी लाइक एक बार कॉल आया कि रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। तक खड़ा रहा था तो डायरेक्टर सर पूरा रात में मिलने नहीं आए। फिर उसके बाद वापस जाके हम लोग के साथ मीटिंग भी हुआ, बट वो मीटिंग में बोला गया कि लाइक हम लोग का मांग को रखा जाएगा, कुछ ये वो किया जाएगा, बट अभी तक हम लोग कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखने मिल रहा है। और बहुत इशू है, स्टूडेंट लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बिकॉज लाइक ऐसा ऐसा नियम लाया जा रहा है जिससे स्टूडेंट को दिक्कत हो। और ऐसा है कि ये लड़के को हैंगिंग होने से खुद देखा, 2-3 घंटा पहले ही हुआ है वो, अभी 6 बजे के अप्रोक्स में। घटना क्या है, मतलब घटना वो स्टूडेंट सुसाइड कर लिया, यही घटना है। किसके कारण वो घटना, मतलब सुसाइड? अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसको बहुत बैक लगा हुआ था, एग्जाम्स उसका क्लियर नहीं हो रहा था, तो अब कुछ इश्यू हुआ है। अब पता नहीं है न्यूज़ सही है कि नहीं, बट ऐसा बोला जा रहा है कि उसका पेपर फाड़ के फेंक दिया गया या फिर ऐसा कुछ हो गया, तो इसके लिए पूरे क्लियर नहीं है हम, बट हमको ऐसा सुनने में मिला है। तो अभी आप लोग क्या देंगे स्टूडेंट के होने के नाते? अभी स्टूडेंट का देखिए, अब हम लोग का तो इस कॉलेज में कोई राइट है नहीं देखा जाए तो स्पेसिफिकली, क्योंकि हम लोग अगर कुछ भी करेंगे तो हम लोग पे या तो रेस्ट्रिक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन, या तो फाइन, या तो 1 ईयर का वो लग सकता है, लाइक एक ईयर का बैक लग सकता है। ऐसा भी हो सकता है लाइक ये हम वीडियो में इंटरव्यू दिया जा रहा है, हो सकता है मेरे साथ भी ऐसा कुछ एक्शन लिया जा सकता है, लाइक बहुत इनह्यूमेन एक्शंस लिया जाता है कुछ भी होने से, तो यही सीन है अभी। तो लाइक हम लोग का ऐसा है कि बस हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते थे, इतने दिन से हम लोग सब कोई चुप थे, लेकिन आज देख लिया कि आपने अपने ही दोस्तों में से कोई एक नहीं रहा तो कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। इतना दिन से हम लोग सब कोई चुप ही है, लेकिन सबको अंदर अंदर हेजिटेशन है, लेकिन कोई अब ऑब्वियसली कोई ऐसा स्टेप नहीं लेगा, बट अब उसका पता नहीं कंडीशन कैसा रहा, क्या हुआ, बट अब ऐसा स्टेप ले लिया। नाम क्या है? नाम किसी को पता था? कोच बुकर नाम है। और घर कहाँ है उसका? घर अरुणाचल प्रदेश का स्टूडेंट है। পাথারকান্দি থেকে মলয় কুমার দাসের প্রতিবেদন, নিউজ বাংলা।